चलिए देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़िएगा? लेंस। लेंस का हिंदी होता है ताल। लेंस का हिंदी क्या होता है? ताल। लेंस का मतलब या तो लेंस ही कह लीजिए या फिर ताल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखिए, लेंस कहते हैं किसको, लेंस किसे कहेंगे? तो आपको परिभाषा में लिखा गया कि दो अपवर्तक सतहों से घिरा, दो अपवर्तक सतहों से घिरा। अच्छा, अपवर्तक सतह की बात कर रहा है, कौन सतह की बात कर रहा है? अपवर्तक। अपवर्तक सतह कितना बोलेंगे? जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, मतलब आर पार हो जाए या फिर वापस लौट जाए, बोलिए। जिस सतह से टकराने के बाद प्रकाश लौट जाएगा तब उसको बोलेंगे अपवर्तक सतह, या फिर न लौटेगा तब कहेंगे? नहीं लौटेगा तब, क्योंकि लौट जाएगा ना तो परावर्तन हो जाएगा, और परावर्तन होने की वजह से परावर्तक सतह कहला जाएगा वो। लेकिन ये क्या कह रहा है? परावर्तक नहीं। अगर कहता परावर्तक सतह तो परावर्तन की घटना घटती, लेकिन ये कह रहा कि दो अपवर्तक सतह, यानी वैसा सतह जिससे प्रकाश लौटेगा नहीं, क्या होगा? अपवर्तन की घटना होगा। यानी दो अपवर्तक सतहों से घिरा वह पारदर्शक माध्यम, कौन माध्यम? पारदर्शक माध्यम, क्योंकि पारदर्शक माध्यम रहेगा तभी तो पार होगा। तो पारदर्शक माध्यम जिसका कम से कम एक सतह, जिसका कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए? वक्र होता है, यानी वक्र होना चाहिए। वक्र का मतलब टेढ़ा, वक्र के मतलब टेढ़ा। तो एक सतह अगर वक्र होगा तो क्या कहेंगे हम लोग को? ची लेंस। क्या बोलेंगे? लेंस। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से ध्यान से सुनना, लेंस के क्या कहेंगे ध्यान से सुनिएगा। यानी ये तो क्लियर हो गया कि लेंस में कितने सतह होंगे? दो सतह, ये तो फिक्स है। लेंस में कितने सतह? अगर लेंस की, अगर एक सतह की बात करें कि एक सतह से लेंस बनाया तो मानिएगा उस बात को? नहीं। लेंस में कितने सतह? दो सतह। यानी दो सतहों को मिलाने से क्या बनेगा? लेंस। लेकिन कैसा सतह? अपवर्तक सतह। कैसा सतह? यानी हम कह सकते हैं कि दो अपवर्तक सतहों से घिरा, दो अपवर्तक सतहों से घिरा वैसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक सतह कम से कम क्या होना चाहिए? वक्र। कम से कम एक सतह, दोनों अगर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों में से कोई वक्र नहीं रहेगा तो लेंस नहीं कहलाएगा। नहीं, ये शर्त है, बता रहा है कि दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम जिसका कम से कम एक सतह वक्र होता है वह क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अच्छा, मान लीजिए हम ऐसे फिगर बना दिए, ऐसे के बोले कि सतह देखो, अरे सतह है, बोले कि कौन लेंस है बताइए, क्या लेंस होगा? नहीं। का है किसी परिभाषा में कहा गया कि सतह क्या होना चाहिए? वक्र होना चाहिए। यानी अगर फिर हम मान लीजिए हम इसको ऐसे घुमा दें इस तरह का, तो बताइए अब लेंस होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि ये जो ऐसे एक जो सतह है इनका ये हो गया और एक सतह हो गया, तो एक सतह कम से कम वक्र है, यानी कम से कम एक सतह वक्र है। अगर ये हो जाता, ये सब वक्र हो जाता तो भी लेंस कहलाता, कहला था कि नहीं? यानी दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम जिसका कम से कम एक सतह वक्र होता होगा क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अच्छा, लेंस जो होते हैं ना दो प्रकार के, लेंस कितने प्रकार के? दर्पण भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक उसी से मिलता जुलता है। दर्पण भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन था? गोलिया दर्पण। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, लेंस दो प्रकार के, गोलिया लेंस और बेलनाकार लेंस। गोलिया लेंस और बेलनाकार लेंस। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक गोलीय और एक बेलनाकार। अच्छा, गोलिया लेंस, गोलिया लेंस किसको कहेंगे अगर परिभाषा पूछा जाए? तो गोलीय के मतलब कैसा सतह होना चाहिए? मैंने गोलाकार, अपवर्तक सतह दो को ही रहेगा लेकिन गोलाकार, जैसे आपने गोलीय दर्पण का परिभाषा दिया था, ठीक है, उसी प्रकार खाली इसमें अपवर्तक सतह हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अपवर्तक सतह। तो उसको क्या बोलेंगे? गोलीय लेंस, ठीक है, जिसे अपवर्तक सतह रहे लेकिन गोलाकार का दिखाई दे, गोलाकार का जैसा हो जाए, गोलीय लेंस। आप करते देखिए, गोलीय लेंस करके दो प्रकार के, एक उल लेंस, एक अवतल लेंस, ठीक, क्वेश्चन दर्पण वाला। दर्पण में ही पड़े थे गोलीय दर्पण करके, दो करके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, लेकिन यहां लेंस लिए तो गोलीय लेंस भी क्या प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस किसको कहेंगे? आपने दर्पण में किसको कहते थे, किसको पढ़े थे? उत्तल दर्पण किसको पढ़े? उत्तल दर्पण, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए दर्पण का उल्टा ही लेंस है, उसने परावर्तक सतह दर्पण में पाया था कि वैसा
दर्पण जिसका परावर्तक सदा उभरावर है, परावर्तक क्योंकि उसमें परावर्तन की घटना होता है, दर्पण दर्पण जैसे प्रकाश को लौटा देता है, टकराता है दर्पण से तो प्रकाश क्या होता है लौटता है, मतलब लौटाता है दर्पण, ठीक है, तो परावर्तक सतह हो जाता है। लेकिन ये लेंस क्या है, अपवर्तक सतह, लौटाएगा नहीं बल्कि पार होने देगा, यानी पार हो जाएगा। तो एक उत्तल लेंस क्या कहते हैं, ओकर बीच का भाग कर, सॉरी उसमें बोले थे उभरा हुआ भाग रहता है, लेकिन इसका क्या कहता है उत्तल लेंस में, वैसा लेंस जिसके किनारा का भाग पतला, किनारा के भाग पतला और बीच के भाग मोटा, बीच के भाग अगर हम ऐसे लाइन पा रहे हैं, ये लाइन बोले कि बता वो किनारा किधर है, या तो निचला छोर को या तो ऊपर ना छोर, यही तो किनारा होता है, या तो किनारा ये होगा इधर से बात करें तो कोरी ही ना होगा, किनारा का मतलब कोरी, और उधर से कोई बात करें तो किनारा कौन होगा ये वाला, और बीच के भाग ये सब क्या होगा बीच का भाग। तो एक कहता है उत्तल लेंस में कि वैसा लेंस जिसके किनारा का भाग यानी इधर वाला भाग जो रहेगा पतला रहेगा और बीच वाला भाग मोटा रहेगा, तब उसको क्या कहेंगे उत्तल, कौन लेंस उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस के क्या कहेंगे जब बीच में मोटा रहे, बीच में कुछ रहे, बीच में मोटा और उठी उठी कुछ पतला, तो क्या कहलाएगा उत्तल। तो ये कैसे होगा, ऐसे हम बना सकते, देखो किनारा है और एक किनारा, देखो बीच का भाग मोटा और किनारा का भाग, ये बताए किनारे पे पतला है कि ना, देखो इतना पतला है, इतना पतला, धीरे धीरे बीच वाला मुझे और मोटा होता जाएगा, होगा ना, यानी किनारा का भाग पतला और बीच का भाग मोटा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा उत्तल लेंस, कौन लेंस कहलाएगा उत्तल, यानी उससे उत्तल, तो कह सकते हैं कि उससे उठा हुआ, यानी बीच वाला जो भाग रहेगा उठा हुआ रहेगा, तो क्या कहलाएगा उत्तल लेंस। और इसमें दो अपवर्तक सतह भी है, एक सतह इधर देखो लेफ्ट में और एक सतह राइट में, यानी दो अपवर्तक सतह भी है और दो अपवर्तक सतह है, देखिए कम से कम एक वक्र होना चाहिए लिखे क्रम, तो दोनों वक्र है, दोनों टेढ़ा अलग है ना, दोनों अपवर्तक सतह है कि नहीं टेढ़ा बकरे, तो चलिए रूल का भी फॉलो कर रहा है। तो उत्तल लेंस की तरह कहेंगे तो वैसा लेंस जिसके किनारा का भाग पतला और बीच का भाग मोटा, वो क्या कहलाएगा उत्तल लेंस, ठीक इसका अपोजिट अवतल लेंस, उत्तल का उल्टा अवतल, तो एकर जब किनारा वाला भाग पतला तो अवतल में क्या होगा किनारा वाला भाग मोटा, और उत्तल में बीच वाला भाग मोटा तो अवतल में बीच वाला भाग पतला, तो कैसे ऐसे बना सकते हैं, किनारा किनारा होना चाहिए कुछ चौड़ा यानी मोटा और बीच का भाग क्या होना चाहिए, बताइए किनारा पे ज्यादा चौड़ा है कि बीच में ज्यादा चौड़ा है, किनारा पे ज्यादा चौड़ा है, इधर भी ज्यादा चौड़ा, इधर भी ज्यादा, यानी किनारा का जो भाग है वो ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा है और बीच वाला भाग क्या है पतला है, यानी ये हो गया अवतल लेंस, कौन लेंस अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो वैसा लेंस जिसके किनारा का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो उसे क्या कहेंगे अवतल, और जिसके बीच का ही भाग मोटा हो और किनारा का भाग पतला उसको उत्तल, बीच वाला मोटा तो उत्तल और बीच वाला पतला तो क्या अवतल, बीच वाला पतला तो क्या कहेंगे अवतल लेंस, क्या उत्तल और अवतल लेंस समझ गए, जिस लेंस का जिस लेंस में किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो उसे क्या कहेंगे अवतल, और जिस लेंस के किनारे का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो उसे क्या कहेंगे उत्तल, बीच में मोटा उत्तल, बीच में मोटा रहेगा तो उत्तल। आप ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस के प्रकार के तीन प्रकार के, तो अवतल भी प्रकार के, जब उत्तल तीन और दोनों होती है ना जी, उत्तल और अवतल क्या है, मान लीजिए अगर तीन को हिस्सा मिले तो तीन को चाहिए ना, तो उत्तल लेंस तीन प्रकार के, तो अवतल भी क्या प्रकार के, एकदम याद रखना, ये लो याद, अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी याद रहेगा, उत्तल क्या गो तीन गो, तो अवतल भी क्या प्रकार के तीन प्रकार के, उत्तल लेंस कितने प्रकार के तीन प्रकार के, अवतल लेंस क्या प्रकार के तीन प्रकार के। अच्छा उत्तल लेंस तीन प्रकार के कौन कौन, तो एक है बाय कॉन्वेक्स लेंस यानी द्वि उत्तल लेंस, दूसरा है समतल उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल उत्तल लेंस। अब एकरा में परिभाषा पूछ देगा कि द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनिए एकदम, एकरे में आंसर है, क्वेश्चन में क्या है आंसर है, मान लीजिए द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो द्वि के मतलब दो, द्वि मैंने और उत्तल के मतलब उत्तल, तो जेकरा में दोनों अपवर्तक सतह रहे उत्तल का रहे क्या रहे, यानी जेकरा में दो गो उत्तल लेंस मिल जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा द्वि उत्तल, द्वि उत्तल, उत्तल क्या गो दो गो, जेकरा में दो गो उत्तल रहेगा कुछ कहलाएगा द्वि उत्तल, समतल उत्तल, एगो समतल एगो उत्तल, यानी समतल में उत्तल मिला दीजिएगा तो समतल उत्तल, एगो अवतल उत्तल, एगो अवतल रहेगा उत्तल रहेगा, तब क्या कहलाएगा अवतल उत्तल,
ध्यान देना, दोनों उत्तल, या तो अवतल है वो उत्तल, या तो वो समतल है वो उत्तल। दोनों उत्तल हो सकता है और नहीं तो एक उत्तल रहेगा, चूंकि उत्तल के प्रकार की बात कर रहा तो जेकर प्रकार रहेगा हो तो हमें सराहना ही रहना है। उत्तल की बात करें कि उत्तल तीन प्रकार के, तो उत्तल तो रहेगा ही रहेगा, यानी तीन प्रकार है, देखो एक दो तीन, तो उत्तल की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं उत्तल का, तो एक हो सकता उत्तल तो सब में रहेगा, एकरो में उत्तल रहेगा, इसमें भी उत्तल रहेगा और इसमें भी उत्तल रहेगा, यानी उत्तल की बात हो रहा तो तीनों में उत्तल रहेगा। हाँ अलग अलग होगा, हो सकता है कि एकरा में समतल मिल जाए, या हो सकता है कि एकरा में उत्तल रह जाए, या हो सकता है कि एकरा में अवतल मिल जाए, एक बात तो कोई है ही नहीं। यानी इसी प्रकार से हम बोले कि उत्तल लेंस का प्रकार के तीन प्रकार के, एक उत्तल और समतल, यानी समतल और उत्तल रह जाए तो समतल उत्तल कहलाएगा, एक दोनों उत्तल रह जाएगा तो द्वि उत्तल कहलाएगा, और एक उत्तल और अवतल रह जाएगा या अवतल और उत्तल रह जाए तो अवतल उत्तल कहलाएगा, यानी अवतल उत्तल। तो क्या लिख लेंगे, कोई दिक्कत? देखिए फिगर में ये दोनों क्या है, उत्तल है, और एक समतल है, और दूसरे का क्या है उत्तल, आई वाला में अवतल उत्तल, ठीक है, अवतलोत्तल समतलोत्तल द्विउत्तल, कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस भी कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, आयक्रम हो जाएगा द्वि अवतल, समतल अवतल और उत्तल अवतल। ठीक उसी प्रकार से जैसे उत्तल का प्रकार पड़ रहे थे तो उत्तल उत्तल सब में था, अब अवतल के पड़ रहे हैं तो इसमें भी अवतल, इसमें भी अवतल, इसमें भी अवतल, और एक कंडीशन हो सकता है कि एक अवतल मिल जाए दोनों अवतल हो जाए, या एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक अवतल होगा समतल हो जाए, और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक उत्तल और एक अवतल हो जाए। कोई दिक्कत यहां तक समझ गए? तो अगर समझ गए तो यही लेंस है, और इसी के साथ आपका लेंस जो चैप्टर वो क्या हुआ, यानी लेंस का जो टॉपिक था वो समाप्त। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको बढ़िया से।